नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों। मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 38,500 अंक के स्तर पर। सुशांत के पिता का आरोप, रिया ने मेरे बेटे को दी थी बर्बाद करने की धमकी। रिया ने सुशांत के अकाउंट से 1 महीने में निकाले 15 करोड़, पिता का आरोप। भारत में 15 लाख पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 34,000 के करीब मौतें। पैंगोंग गोगरा में अभी भी पीछे नहीं गई चीनी सेना, फिंगर एरिया में भी कोई बदलाव नहीं। अंबाला में राफेल को वीआईपी प्रोटोकॉल, धारा 144 लागू, ड्रोन फोटो वीडियो पर रोक। कोरोना नेगेटिव होने पर ऐश्वर्या ने किया फैंस का शुक्रिया, कहा रेडी रहूंगी। मध्य प्रदेश के कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की आत्महत्या, जांच शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर, एक घायल। अमेरिका में कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 1600 तक पहुंची, 2.5 महीनों में सबसे अधिक। शिकागो में ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे पर ट्वीट करने से लगाई पाबंदी। बेंगलुरु में मंगलवार रात मजेस्टिक इलाके में एक होटल की इमारत ढही, कोई हताहत नहीं। कोरोना की वजह से हुआ पश्चिम रेलवे डिवीजन की कमाई में 1905 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। असम में बाढ़ की वजह से एक और व्यक्ति की मौत, अब तक 104 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र के पालघर में सुबह 1:19 पर लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 2.8। भोपाल में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वालों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हुआ अनिवार्य। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे ने अपने विवादित ट्वीट के लिए भारतीय हिंदुओं से मांगी माफी। लखनऊ के आशियाना थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर समेत 12 जवान निकले कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में 12 साल की बच्ची के लापता होने के मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। यूपी के लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले। पार्थ समथान पर लगे क्वारंटीन रूल्स तोड़ने के आरोप। करीना ने ब्लैक एंड व्हाइट लिया चैलेंज, शेयर की तैमूर और इनायत की फोटो। अश्विनी बोले कि बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर आगे बढ़े तो नहीं मिलने चाहिए रन। स्टुअर्ट ब्रॉड बने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज। आईसीयू में भर्ती प्रतिज्ञा फिल्म एक्टर अनुपम, लोगों से मांगी आर्थिक मदद।